हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं जलपाईगुड़ी के एक शानदार सफ़र पे। ये जलपाईगुड़ी के साथ साथ जलपाईगुड़ी डिवीज़न का मुख्यालय है, जो कि उत्तरी बंगाल के मेजर सिटीज़ में से एक है। यह शहर तीस्ता नदी के तट पर स्थित है, जो कि हिमालय की तलहटी में गंगा के बाद पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जलपाईगुड़ी सिल्लीगुड़ी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि इसे एक बेहद बड़ा मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाता है। इस जिले की स्थापना 1869 में हुई थी। ये 3386 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ की आबादी 23,81,000 से भी अधिक की है। यहाँ की साक्षरता दर 84.79% की है और यहाँ का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 954 महिलाओं का है। यहाँ की आधिकारिक भाषा बंगाली है, लेकिन यहाँ सादरी, नेपाली और हिंदी भाषा भी बोला जाता है। यहाँ 82.41% हिंदू, 13.25% मुस्लिम और 3% क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। जलपाईगुड़ी नाम जलपाई शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जैतून, जो कि इस शहर के आसपास के क्षेत्र में उगता है। जलपाईगुड़ी अपनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ साझा करता है। यहाँ का सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन निक के नाम से भी जाना जाता है, ये 22 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है, जो कि जियो स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिकल तौर से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर सिल्लीगुड़ी स्थित है, जो कि बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि टीयर 2 श्रेणी के शहरों में आता है और इसे भारत के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर अपने ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन और अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में। अब यूँ तो यहाँ कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेजर अट्रैक्शंस की बात करें तो आप यहाँ के गोरुमारा नेशनल पार्क, चापरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीस्ता उद्यान, जुबली पार्क, सालुंगारा मोनेस्ट्री, बक्सा फोर्ट और आप यहाँ के वाटर पार्क में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में ये जान लेते हैं कि यहाँ पहुँचे कैसे। तो अगर रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ 5 रेलवे स्टेशन स्थित है, जिसमें जलपाईगुड़ी टाउन, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, मोहित नगर और रानीनगर रेलवे स्टेशन आता है। सड़क मार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 27 और एशियन हाईवे 2 से अच्छी तरीके से जुड़ा है। और हवाई मार्ग की बात करें तो आप यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य बड़े शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं, जो कि 42 किलोमीटर की दूरी पर सिल्लीगुड़ी में स्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में Part 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।